चौटाला ने अपनी औकात दिखा दी एंकर और जो भ्रष्टाचारी होने के नाते। अगर ये सत्ता में होता तो आज ये भाजपा का भी बाप होता, क्योंकि भाजपा जितना अत्याचार नहीं कर रही, पीढ़ियों को पाल दिया हरियाणा के किसानों ने, ये हमसे आखिर चाहते क्या है? क्योंकि ये एक सत्ता में रह कर एक और सत्ता से बाहर रहकर पिछले 5 साल तक भाजपा के साथ भी टीम बनकर के अभय चौटाला ने काम किया, आज वही उसका दूसरा भतीजा काम कर रहा है, 5 साल वो करेगा, फिर इनकी बारी आ जाएगी 5 साल के, तो हरियाणा के किसान कब तक पिटते रहेंगे? जैसे ही जेल से निकले हैं किसानों के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पहले भी इन्होंने भाजपा सरकार का सहयोग किया जब ये खुद मुख्यमंत्री रहे, आज इसका पोता मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री है, तो इन्होंने अत्याचार करवा रखा किसानों के ऊपर, इनकी 3 पीढ़ियों को प्रदेश के किसानों ने सींच करके इनको राजनीति दी, लेकिन किसान इनकी लाठियां कब तक खाता रहेगा? पोता सत्ता में रह के लाठियां भजवाता है और दादा सत्ता से बाहर होते हुए भी अपने अहंकार के वशीभूत होकर किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। जगबीर कसोला प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हरियाणा की अध्यक्षता में परशुराम चौक दादरी पर इकट्ठे होकर श्री ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा का रोष स्वरूप पुतला फूका और जगबीर ने कहा कि खटखट टोल प्लाजा जींद से सतवीर प्रधान व धरना संचालन प्रधान को इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला द्वारा अहंकार में चकनाचूर होकर अपने कार्यक्रम के दौरान खटखट टोल पर हजारों की संख्या में किसानों के बीच सतवीर प्रधान को बैंत से मार। आज हमने ओम प्रकाश चौटाला का पुतला फूंका है, जिन्होंने खटखट टोल पर हमारे खाप प्रधान सतबीर पहलवान को बैंत मारा है। वो बैंत उनको अकेले को नहीं, पूरे प्रदेश और देश के किसान बरादरी को बैंत मारने का काम किया है, जहां इसका खुद का पोता सरकार के अंदर बैठ करके किसानों के ऊपर लाठियां भंजवा रहा है, वहीं उसका दादा अपराधी जो जेल से छुट के आया है उसके अंदर आज भी अपराधी प्रवृत्ति बढ़ी है, और उसकी वजह से उसने एक बुजुर्ग खाप के प्रधान जो खाप हमारी पूरे प्रदेश की धरोहर मानी जाती है, जो सम्मानजनक है, उसको ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। संयुक्त मोर्चे के फैसले को तोड़ने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती दबाव बनाया है कि मैं भाषण दूंगा, भाषण जरूरी नहीं है, किसानों के लिए अगर वो मदद करना चाहते हैं, किसानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो दरी के ऊपर बैठ करके सहयोग करें, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। जैसे ही जेल से निकले हैं किसानों के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पहले भी इन्होंने भाजपा सरकार का सहयोग किया जब ये खुद मुख्यमंत्री रहे, आज इसका पोता मुख्यमंत्री है, तो उपमुख्यमंत्री है, तो इन्होंने अत्याचार करवा रखा किसानों के ऊपर, इनकी 3 पीढ़ियों को प्रदेश के किसानों ने सींच करके इनको राजनीति दी, लेकिन किसान इनकी लाठियां कब तक खाता रहेगा? पोता सत्ता में रह के लाठियां भजवाता है और दादा सत्ता से बाहर होते हुए भी अपने अहंकार के वशीभूत होकर किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अगर जल्द ही सार्वजनिक तौर पर आकर के माफ़ी नहीं मांगता है ओम प्रकाश चौटाला, तो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा टीकरी बॉर्डर पर जल्द ही एक बड़ी मीटिंग करके इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेगा, और जिन हमारे सतवीर प्रधान खाप प्रधान के ऊपर जो बैंत मारा है उनको हम टीकरी बॉर्डर पर बुला के सम्मानित करेंगे पगड़ी बांध कर, क्योंकि जिन्होंने सबसे पहले संयुक्त मोर्चे के फैसले को खटखट टोल के ऊपर उसको लागू करने का काम किया, तो संयुक्त मोर्चा आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है, और प्रदेश का और देश का किसान उनको तन मन धन से साथ खड़ा मिलेगा। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ, राजनीतिक व्यक्ति द्वारा अगर इस प्रकार से कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और अत्याचार करने की कोशिश की, तो इनके 3 पीढ़ियों को पाल दिया है हरियाणा के किसानों ने, ये हमसे आखिर चाहते क्या हैं? क्योंकि ये एक सत्ता में रह कर एक और सत्ता से बाहर रहकर पिछले 5 साल तक भाजपा के साथ भी टीम बनकर के अभय चौटाला ने काम किया, आज वही उसका दूसरा भतीजा काम कर रहा है, 5 साल वो करेगा, फिर इनकी बारी आ जाएगी 5 साल के, तो हरियाणा के किसान कब तक पिटते रहेंगे? इसलिए हम इनके बिल्कुल, देखो जो घटना घटी है इसकी सार्वजनिक तौर पर पूरे प्रदेश और देश के किसानों से माफ़ी मांगे, उनका दायित्व बनता है। अगर ये सत्ता में होता तो आज ये भाजपा का भी बाप होता, क्योंकि भाजपा जितना अत्याचार नहीं कर रही, खट्टर ने भी शायद किसी को अभी तक किसी किसान के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया होगा, इसने खुद बैंत मार के अपनी असली औकात दिखा दी कि मैं किस प्रकार से कितना किसानों के साथ हूँ और मैं कितना अत्याचार कर रखा हूँ, जिन्होंने मैम कांड और कंडेला कांड किया, तो ये हरियाणा या प्रदेश के किसानों के हित में नहीं है, ये सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं अपनी राजनीति का बदलाव करके, कभी 10 सीट लेकर ये सत्ता में शामिल हो जाएंगे, कभी वो हो जाएंगे, और इसलिए हम मांग करते हैं या तो अपने सामने आकर के किसानों से माफ़ी मांग लें, अन्यथा कड़ा फैसला लेने पर संयुक्त मोर्चा मत। आज हमने इनका पुतला फूंका है, पुतला फूंक के एक संदेश दिया है कि इस प्रकार से जो घटना चौटाला का फूंका है, जो जेल से रिहा हो गया है और अत्याचार करना सीख गया है, वहाँ से एक बड़े संगीन अपराध के अंदर शामिल था और वहीं से जेल के अपराधी से हम क्या राजनेता की आशा कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। इस भारतीय किसान यूनियन चरखी दादरी, आज जो दादरी के अंदर हमने एक जो
36 बिरादरी को किसान को की स्पोर्ट में जो ओम प्रकाश चौटाला का जो पुतला फूंका है, जो 36 बिरादरी का पूरे देश में जोरों शोरों से किसान आंदोलन चल रहा है तीन काले कानून वापस लेने के लिए, उसी के संदर्भ में चौटाला ने अपनी औकात दिखा दी अहंकार और जो भ्रष्टाचारी होने के नाते जो टोल खटखट है उसके ऊपर जो सतवीर पहलवान को बैत मारी है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। या तो आने वाले एक दो दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से पूरे हिंदुस्तान के किसान से माफ़ी मांगे, नहीं तो आने वाले समय में हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसके खिलाफ हर एक जिले में पुतले फूकेंगे और कड़ा फैसले लेने के लिए मजबूर होंगे।